उस पर चाइना ने क्या कहते हैं ऑक्युपाई नहीं कर पाया अभी नो बॉर्डर पोस्ट वॉज ऑक्युपाइड मोदी टेल्स ऑल पार्टी मीट सोनिया सोनी आज देर वॉज एन इंटेलिजेंस फेलियर ऐसा उन्होंने कहा कि बॉर्डर पोस्ट को क्या कहते हैं इंडिया के पास है जो कोई बॉर्डर पोस्ट चाइना ने अभी ऑक्युपाई नहीं किया है ऐसा पी का कहना है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे टोल्ड एंड ऑल पार्टी मीट कॉल्ड बाय हिम नो आउटसाउड वॉज इनसाइड इंडियन टेरेटरी इन लद्दाख नॉट हैड एनी बॉर्डर पोस्ट ऑफ द इंडियन आर्मी हैड कैप्चर्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस ऐसा कहा गया है कि कोई भी कहते जो आउटसाइडर है जैसे चाइना के ट्रूप से उन्होंने कोई भी टेरिटरी कोई भी पार्ट क्या कहते हैं जो इंडिया के अंदर है उसे ऑक्युपाई नहीं किया है और क्या कहते कोई भी बॉर्डर पोस्ट इन सब इंडिया के अंदर है कोई वो ऑकुपाई नहीं किए जैसे आप जानते होंगे कि आपने पढ़ाई होगा कि क्या कहते हैं जो अपोजिशन का क्वेश्चन होता है उन्हें क्या कहते हैं रूलिंग पार्टी को जवाब देना ही पड़ता है जैसे इस वक्त राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी का जवाब दिया जब उन्होंने पूछा कि क्या कहते हैं ये यही कि राजनाथ सिंह आंसर सम क्वेश्चन स्पेशली द वंस पुट बाय कांग्रेस प्रेजिडेंट सोनिया गांधी बट डिनाइड इन्नी इंटेलिजेंस फेलियर्स है प्लेस कि उन्होंने सारे क्वेश्चन का जवाब दिया सु, वो कांग्रेस प्रेजिडेंट का लेकिन और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस प्रेजिडेंट ने कहा था कि कहते कोई पोस्ट शायद ऑक्पाई हो गया है या इंटेलिजेंस फेलियर है ये तो कहते हैं राजनाथ सिंह का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सब कहते हैं इसमें एक ये है भी ये भी न्यूज़ में है कि कि द नेशनल इंटरेस्ट इज़ आर हाईएस्ट प्रायोरिटी कि जो नेशन का इंटरेस्ट होगा वो हमारी पहली प्रायोरिटी होगा और सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगा वेदर इट इज़ अ ट्रेड और कनेक्टिविटी और काउंटर टेरिज्म कि अगर वो ट्रेड हो या कनेक्टिविटी हो दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट करना हो या कोई टेररिज्म के खिलाफ टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप हो तो हम वो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी नेशन का इंटरेस्ट पहले इंडिया हैज़ नेवर एक्सेप्टेड आउटसाइड प्रेशर एंड डेन वॉट एवर इज़ नेसेसरी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड विल बी डन इन फ्यूचर कि इंडिया ने वही किया है जो इंडिया के लिए लाभदायक है जो यूजफुल है और क्या कहते हैं जो बेनिफिशियल है जो हमारे लिए मदद करेगा सिर्फ वही इंडिया ने कहा है ऐसा कहना है आर्म फोर्सेज का ही सेड एडिंग दैट आर्म फोर्सेज आर कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग द बॉर्डर्स एंड हैव बीन गिवेन अ फ्री हैंड और मिस्टर मोदी ने यह भी कहा है कि कहते हैं आर्म फोर्सेस को पूरी छूट है क्या कहते हैं डिफेंड करने की बॉर्डर्स के लिए उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े उस पर उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा ऐसा इस न्यूज़ में था एक और इसी में न्यूज़ आती है चाइना लेस क्लेम टू इंटायर गलवन वैली चाइना ने जो गलवन एल एसी पर जो गलवन कहते वैली है उस पर कहते चाइना का कहना है कि उन्होंने पूरी उसे ऑक्यूपाई कर लिया है गलवन वैली गलवन रिवर और श्योक रिवर का के उस पर पड़ती है दिस एरिया वॉज द साइट ऑफ द क्लैश ऑन जून फिफ्टीन डेट क्लेम द लाइफ ऑफ एटलीस्ट ट्वेंटी इंडियन सोल्जर्स इन द वर्स्ट वर्लेंस ऑन द बॉर्डर सिंस द नाइनटीन सिक्सटी सेवन ये गलवन वैली वही है जहाँ पे क्या कहते हैं पंद्रह जून को अभी जहाँ पे बीस इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं और कुछ सोल्जर्स को पकड़ ले गए थे वो लोग तो ये वही एरिया है जहाँ पे क्या कहते हैं नाइन्टीन सिक्सटी सेवन के बाद से कभी युद्ध नहीं हुआ है नाइनटीन सिक्सटी सेवन के बाद ये पहली बार ऐसा इतना बड़ा इतने लोग मरे हैं द एल ए सी रन ईस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द गेलवन एंड शोक रिवर्स की जो एल ए सी है वो ईस्ट पर पड़ता है गलवन रिवर और शोक रिवर्स के चलिए देख लेते हैं गलवन रिवर और शोक रिवर के बारे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन आर टू फोर सेवन टाइप करें और इस लोगों के साथ इसे सब्सक्राइब करें न्यूज़ क्या कहते हैं ये आप ये नोट्स के लिए न्यूज़ नोट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ले सकते हैं आप क्या कहते हैं इसका डिस वो क्या कहते हैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए देखते हैं द गलवन रिवर फ्लो फ्रॉम द डिस्प्यूटेड अक्साई चिन्ह रीजन टू लद्दाख ऑफ इंडिया इट ओरिजिनेस इन द एरिया ऑफ समजुंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ करोक्रम रेंज एंड फ्लोज वेस्ट टू जॉइन द शोक रिवर की कहते हैं वही अक्साई चिन्ह से जहाँ पे नाइनटीन सिक्सटी टू वॉर के बाद एल ए सी बन गई थी तो उससे पहले जहाँ पे नाइनटीन फिफ्टी सेवन में अक्साई चिन्ह चाइना ने अप्वाई कर लिया था पहले वो इंडिया का एरिया था अक्साई चिन्ह लेकिन उसे 1957 में चाइना ने ऑक्पाई कर लिया तो वहीं से ये रिवर फ्लो करती है गलवन रेरी रे। और कहते है वर्ष तक जाती है जहाँ पे भी शोक रिवर से मिलती है इट इज़ वन ऑफ द अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिंडस रिवर ये एक ट्रिब्यूटरी है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ट्रिब्यूटरी क्या होता है कल मैं इसका जवाब दूंगा आप ट्रिब्यूटरी कमेंट सेक्शन में जरूर तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें जिससे हमें पता है चले कि लोग देख भी रहे हमारा वीडियो कि नहीं तो प्लीज़ कमेंट द गलवन रिवर इज टू द एवेस्ट ऑफ चाइनाज नाइनटीन फिफ्टी सिक्स क्लेम क्लाइन इन अक्साई चिन कि गलवन रिवर चाइना का क्या कहते हैं जो वही कि नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में जो अक्साई चिन्ह है कॉकपाई अक्साई चिन को वही बताया गया इसमें कि वहीं से ये फ्लो होती है अब श्योक रिवर के बारे में देख लेते हैं श्योक रिवर द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम रिमोट ग्लेशियर ये रिमोट ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है क्रम रेंज और क्या कहते हैं इसे रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इंडिया में कहते हैं रिवर डेस्थ किसे कहा जाता है इसे श्योक रिवर को कहा जाता है इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी टेबरी इंडस इट इज ऑल्सो नोन एज सिंधु इसे सिंधु भी कहा जाता है इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर फ्लोइंग थ्रू चाइना इंडिया एंड पाकिस्तान ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कहते हैं चाइना से आती है फिर इंडिया फिर इंडिया से पाकिस्तान जाती है ओरिजिनेटिंग इन चाइना द रिवर ज्वाइंस द इंडस रिवर इन पीओके ये ओरिजिनेट करती है चाइना में और क्या कहते हैं इंडस रिवर को मिलती है पीओके ओके में पाकिस्तान और कश्मीर में चैंग चैन मो रिवर गलवन रिवर नूबरा रिवर एंड सल्तोरा रिवर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ शोक रिवर इसमें क्या कहते हैं ये सब शोक रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं चैंग चैन मो रिवर गलवन रिवर नूबरा रिवर और सल्तोरा रिवर द रिवर होल्ड कॉन्ट्रेट पीरियड टू पॉइंट फाइव एट मिलर्सो डिपोजिशन दल्प जियोलॉजिस्ट टू लर्न मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इसमें जो बहुत ही पुराने पुराने भी डिपोजिशन हैं जो लगभग ढाई मिलियन साल पुराने हैं तो इससे हमारे साइंटिस्ट को ये भी पता चल पाता है कि अर्थ कितने साल पुराना है देखते हैं अगली न्यूज़ सिंधिया दिग्विजय पोस्ट इजी आर एस पोल विक्ट्रीज कहते हैं जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो ज्योतिराज सिंधिया थे वो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे कुछ दिन पहले कुछ महीनों पहले तो वही कि अब जो राज्यसभा भी इलेक्शन हुए तो उसमें दोनों लोगों ने जीत हासिल की है सिंधिया ने बीजेपी साइड से और दिग्विजय ने कांग्रेस साइड से आर एस पोल्ड विक्ट्री की है इसमें ये बताया गया ये हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बस हमें ये देखना है कि राज्यसभा इलेक्शन के बारे में चलिए देखते हैं राज्यसभा इलेक्शन के बारे में राज्यसभा इलेक्शन इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है इसमें टू फोर्टी फाइव मेबर होते हैं और इसमें से दो दो सौ तैंतीस मेम्बर टू थर्टी थ्री मेम्बर स्टेट से इलेक्ट किया जाते हैं और यूनियन टेरेटरी से दिल्ली एंड पुडुचेरी से और क्या कहते हैं और क्या कहते हैं और भी यूनियन टेरेटरी से और जो रिमेनिंग ट्वेल्व मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक राज्यसभा मेंबर की ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो क्या कहते हैं भारतीय हो एंड मस्ट नॉट लेस देन थर्टी इयर्स ऑफ एज उसकी एज थर्टी इयर्स से कम ना हो ही मस्ट प्रोसेस क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट और उसकी क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन किसी भी लॉ जो पार्लियामेंट का है उसके अंडर आनी चाहिए हु कैन वोट टू इलेक्ट राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट वोटेड इन इलेक्शन टू द अपर हाउस कि राज्यसभा के लिए जो कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स मेम्बर्स होते हैं एम एल ए होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा इलेक्शन में राज्यसभा इलेक्शन में प्रोसेस द मेबर्स ऑफ द स्टेट्स असेंबली इलेक्ट राज्यसभा मेंबर्स बाय प्रोसेस ऑफ इंडायरेक्ट वोटिंग इन वट इज़ कॉल्ड प्रोपोशनल रिप्रेजेंटेशन विद द ट्रांसफरेबल वोट इसमें वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ईच वोटर रैंक्स इज प्रेफरेंस एंड इफ द फर्स्ट कैंडिडेट ऑन द लिस्ट हैज इनफ वोट्स नो चांस ऑफ विनिंग द वोट इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन की क्या कहते हैं पहले वोट किया जाता है जो पहले नंबर पर रहता है फिर देखा जाता है कि वो जीत रहा है कि नहीं अगर नहीं जीत रहा है तो उसके वोट सेकेंड मेंबर को दे दिए जाते हैं ऐसे इसमें वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट टेन्योर क्या होता है इसका टेन्योर छः साल का होता है इसके मेंबर्स का राज्यसभा का। वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिटायर आफ्टर एवरी टू इयर्स, जिसके वन थर्ड मेंबर्स राज्यसभा के दो साल में हर बार रिटायर हो जाते हैं देखते हैं अगली न्यूज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कोलैबोरेट्स विद आई आई टी दिल्ली कि जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो इंडिया का यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया का और आई दिल्ली ने कोलेबराट से एक बनाया है दे विल कोलेबरेट टू कम्बाइंड फोर्सेज टू डेवलप सोल्यूशन फॉर इनहेंसिंग द एफेंसी एफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट फूड सेफ्टी नेट थ्रू ऑपरेशनल ऑपरेशन रिसर्च कि वो क्या कहते हैं स्टेप्स देखेंगे कि इन्हेंस करेंगे जो स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो फूड में कोई भूखा ना मर सके और फूड सेफ्टी देखें। देखेंगे गवर्नमेंट की फूड सेफ्टी नेक्स्ट देखेंगे कि गवर्नमेंट सबको फूड प्रोवाइड करा पा रही है इस पेंडेमिक में कि नहीं इस तरह का भी प्रोग्राम ये लोग बनाने की सोच रहे हैं इस उसमें ऐसा था पद्मश्री अवार्डी विद्याबेन पास सब है जो पद्म से अवार्डी थी विद्याबेन उन वो पास हो गई है अभी कल ही ये अब चलिए देखते हैं पद्मश्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पद्म अवार्ड्स पद्म अवार्ड नेमली पद्म विभूषण पद्म विभूषण पद्मश्री ये तीन अवार्ड है लोगों को दिए जाते हैं आर गिट फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस इन रिवाइडेड बाई गवर्नमेंट सर्वेंट्स ये कहते हैं कोई एक्सेप्शनल वर्क करता कुछ नया करता है या कोई बहुत ही अच्छा काम करता है किसी फील्ड में तो उसे ये अवार्ड दिए जाते हैं रिकमेंडेशन रे, फॉर पदमा अवार्ड्स आर रिसीव फ्राम द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेटर सी एम सेंट्रल मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्लेंस एक्सेट्रा ये सब कहते हैं पदमा अवार्ड्स के लिए रिकमेंड करते हैं लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ द इसको क्या कहते हैं जो मिलता है रिकमेंडेशन उस पर अवार्ड कमेटी अपना डिसीजन लेती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द अवार्ड कमेटी एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ द होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजिडेंट द पद्म अवार्ड्स अनाउंस ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे या आप नोट कर लीजिए कि पद्म अवार्ड रिपब्लिक डे को हर साल अनाउंस किए जाते हैं चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं एन एच आई पुल्ड अप ओवर डॉक्यूमेंट्स ऑन ग्रीन कवर ऑलोंग हाईवेज़ इसमें वही बताया गया है कि क्या कहते हैं जो हाईवेज है उसमें क्या कहते हैं ग्रीन कवर्स होने चाहिए ऐसा एन एच आई का कहना है चलिए एन एच आई के बारे में देख लेते हैं एन एच आई ये कहते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नाइनटीन एटी एट के अंदर बनाया गया था अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आता है एन एच आई हेज़ बिन सेटअप आई सेंट्रल अथॉरिटी टू डेवलप मेंटेन एंड मैनेज द नेशनल हाईवेज ये एक सेंट्रल अथॉरिटी जो देखती है डेवलप जो बनाती है जो देखती है उसकी देखभाल करती है और, और संभालती है जो नेशनल हाईवेज़ हैं इंडिया में चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ आज का एडिटोरियल देखते हैं ये जो दो एट्रोर है रिवॉल्विंग डोर अ नवर एंडिंग टेल ऑफ डिफेक्शन पोलिटिकल पॉट इन मनीपुर और एक जो ये है द ग्रॉस अब्यूज ऑफ द मनीपुर मैंडेट ये दोनों लगभग सिमिलर हैं इनमें बहुत ज़्यादा ही कुछ पढ़ने लायक नहीं है थोड़ा बहुत जान लीजिए बस द पॉलिटिक्स इन मनीपुर हैज कम अंडर फ्रेश टर्न मोयल फॉलोइंग द विद्रोल ऑफ सपोर्ट टू द भारतीय जनता पार्टी लेट गवर्नमेंट फ्रॉम द एम एल एज बिलोंगिंग टू द नेशनल पीपल्स पार्टी टू इंडिपेंडेंस एंड डिफेक्शन बाय थ्री बीजेपी एम एल ए टू द अपोजिशन इसमें बताया गया है कि कहते हैं जो मणिपुर गवर्नमेंट है वहाँ पर जो बीजेपी का रूल है सर क्या कहते हैं गवर्नमेंट है, है वहाँ की तो वहाँ उससे क्या कहते हैं वो सपोर्ट पाया था उन्होंने एन से नेशनल पीपल पार्टी से तो उन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया है और दो इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय विधायक थे उनको उन्होंने भी अपना अपना वो क्या कहते हैं वापस ले लिया है सपोर्ट और क्या कहते हैं दो तीन बीजेपी के जो एमएलए थे वो अपोजिशन में चले गए ऐसा इसमें बताया गया है इसमें ये भी, भी बताया गया है कि जैसे ही वहाँ पे अब क्या कहते हैं ऐसा हो गया मणिपुर में कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट अब वो मेजोरिटी में नहीं है माइनॉरिटी में आ चुकी है जैसे आपने देखा होगा कर्नाटका में हुआ मध्य प्रदेश में हुआ अभी रिसेंटली हुआ और अरुणाचल और दौरागंज में तो हुआ ही था पहले ऐसे ही अब वहाँ मणिपुर में हो गया ऐसा इसमें बताया गया है इसमें भी कहा गया द अटर फेलियर ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ इंड कर्बिंग द ब्रिजन सर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रल मैंडेट बाई लेजिस्लेटर हु गॉट इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ वन पार्टी बट डूड नॉट फाइंड इट कन्वीनियंट टू शिफ्ट अनदर ड्यू टू दियर ऑफ मिनिस्टर बर्थ और फाइनेंशियल गेंस इस वही से वही सब बताया गया कि जो एम एल एज थे वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो चुके हैं उनको गवर्नमेंट का अच्छा नहीं लग रहा होंगी पॉलिसी या जो अभी पह... ये सब भी एम एल ए ऐसे थे जो किसी और गवर्नमेंट के उस पर लड़ते हैं चुनाव फिर क्या कहते हैं लेकिन अपना वहाँ से हट के दूसरे पार्टी को जॉइन कर लेते हैं जीतने के बाद ऐसा भी कुछ ऐसा हो जाता है और इस वाले एडिटोरियम में यही दिया है कि पूरा एडिटोरियम की द एंडेमिक हैज़ डिफेक्शन बिकम दैट अ लॉ द टेंथ शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूसड ये एंटी डिफेक्शन लॉ नाइनटीन एटी फाइव में इंट्रोड्यूस हुआ था फिफ्टी सेकंड टेंथ शेड्यूल में फ़िफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा लेकिन फिर उसके बाद नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट करके भी इसमें थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है तो इसमें बस देखने लायक है इस दोनों एडिटोरियल में कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ इन 2017 ग्रुप ऑफ 19 लॉ मेकर मेट दे गवर्नर सी विद्या राव एंड गिव अर एक्सप्रेसिव लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन पलन स्वामी एंड रिक्वेस्टिंग चीफ मिनिस्टर कि 2017 में वही उन्नीस लॉ मेकर ने गवर्नर से मिले थे और क्या पलन स्वामी को हटाने के लिए और नया चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कहा गया था एंटी डिफेक्शन लॉ दूल टू

टू पे इसमें यही बताया गया एक्सेप्शन अंडर द लॉ एनी पर्सन इलेक्टेड एज अ स्पीकर और चेयरमैन को रिजाइन फ्रॉम इस पार्टी कि अगर कोई पर्सन स्पीकर या चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है तो उसे अपनी पार्टी छोड़नी पड़ती है और क्या कहते हैं जब वो उस पोस्ट को छोड़ देगा तभी वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है वापस दोबारा अ पार्टी कुड बी मर्ज इनटू अनदर इफ एटलीस्ट टू थर्ड ऑफ द पार्टी वोटेड फॉर द मर्जर क्या कहते हैं कभी मर्ज हो सकती है अगर दोनों दो एक दो पार्टी हैं अगर टू थर्ड मेंबर्स उसके क्या कहते हैं ऐसा चाहते हो वोटेड फॉर इट अगर यस बोले क्या कहते हैं मर्जर के लिए द लॉ इनिशियली परमिटेड स्प्लिटिंग ऑफ पार्टी बट नाउ हैज बीन आउटलेट द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू द लॉ इनिशियली स्टेटेड दैट द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिस इज नॉट सब्जेक्ट टू रिव्यू इसमें कहा गया कि जो प्रेजिडिंग ऑफिसर होते हैं उनका कहते हैं जो डिसीजन होता है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता है दिस कंडीशन वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट नाइनटीन कि नाइनटीन में इस कंडीशन को रोक दिया गया था देयर बाय अलाउंग अपील्स अगेंस्ट द प्रेजिंग ऑफिसर्स डिसीजन इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट उसके बाद से क्या कहते हैं जो प्रेजिडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी भी डिसीजन पर क्या कहते हैं अपील हो जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हाउ एवर इट हेल्थ दैट देर मे नॉट बी एनी जुडिशल इंटरविशन इंटरवेंशनटिल द प्रेजिड ऑफिसर गि ऑर्डर कि तब तक जो डिशल इंटरवेंशन नहीं हो सकता जब तक प्रेजिडेंट ऑफिसर अपना डिसीजन ना फिर ये दूसरा एडिटोरियल में आया था कि इन न्यू लॉकडाउन और सेकेंड चांस फॉर तमिलनाडु फॉर एफेक्टिव कंटेनमेंट हेल्थ अथॉरिटी मस्टिवली लुक फॉर कोविड नाइन्टीन केसेज इन चेन्नई एंड अटोनिंग डिस्ट्रिक्ट जैसे आपने देखा ही होगा कि इस वक्त मैक्सिमम केसेस महाराष्ट्र में हैं लगभग एक लाख बीस हजार पाँच सौ लोग और उसके बाद है दिल्ली जो पचास हज़ार के लगभग है और फिर तमिलनाडु भी है जहाँ पे केस इस वक्त हो गए फिफ्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी नाइन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आया तमिलनाडु में इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो नया उन्होंने अभी जो कहते हैं लॉकडाउन किया है कुछ दिन के लिए तो उसे में कहा गया है कि उन्हें अब अच्छे स्टेप लेने चाहिए जिससे वो कंट्रोल कर सके और कहते हैं टेस्ट कर सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिससे केसेस पता चल सकते इसमें यही कहा गया है कि डोर टू डोर टेस्टिंग हो और क्या कहते हैं और स्टेप्स लिए जाएं कि कोई ये भी देखा जाए कि किसी को दिक्कत हो तो उसे हेल्थ हेल्थ, हेल्थ वो क्या कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइड की जाए तो इसमें एटोर पूरा यही बताया गया है तो अगली न्यूज़ देखते हैं एस जी एस जोन हेयरिंग ऑफ एन आई ए प्ली इन नवलाखा केस ये कोई इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसका बस एन आई ए इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम देख लेते हैं एन आई ए को एन आई ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये क्या कहते हैं बनाई गई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट दो हज़ार आठ के द्वारा इसे बनाया गया था एन आई ए को इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस ये इन्वेस्टिगेट करती है और देखती है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है एफेक्टिंग द सवरेंटी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट इन सब पर यह वर्क करती है ऑटोमिक और न्यूक्लियर फैसलिटीज़ के लिए अगेंस्ट जो वर्क कर रहे हैं उनके खिलाफ स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी क्वानफी इंडिया करेंसी उनसे उनको देखती है उन पर एक्शन लेती है इट इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रिटीज इन सब में भी काम करती है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कम्बैट टेरर इन इंडिया कि टेरर को कंट्रोल करना भी इसका एक है इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है उसकी है हैदराबाद गुवाहाटी कोची लखनऊ मुंबई कोलकाता रायपुर और जम्मू यहाँ पे यहाँ पे इसका है द टेरिस्ट इंसिडेंट आई फाउंड टू हैव अ कॉम्प्लेक्स इंटर स्टेट इंटरनेशनल लिंकेजेस एंड पॉसिबल कनेक्शन विद ऑर्गेनाइज क्राइम फॉर एग्जाम्पल द स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्रग का सर्कुलेशन ऑफ फेक इंडियन करेंसी इन सब में ये वर्क करती है एन आई ए अमेंडमेंट बिल दो हजार उन्नीस वास्ड बाई पार्लियामेंट अमेंडिंग द ओरिजिनल एक्ट ऑफ दो हज़ार आठ कि 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ है एन आई अमेंडमेंट बिल पास हुआ है जो कहते हैं 2008 का ही उसके जो एक्ट है उसका अमेंडमेंट है द बिल सिक्स टू अलाउ एन आई ए टू इन्वेस्टगेट द फॉलोइंग एडिशनल ऑफेंसेज उन उसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी देखा उनके क्या कहते खिलाफ काम करना ऑफेंसेज रिलेटेड टू कॉन्ट्रिक करेंसी और बैक नोट मैनुफैक्चर और सेल ऑफ प्रोविडेड आर्म्स जो तस्करी होती है आर्म्स की उन सब पे देखना साइबर टेर साइबर जो अटैक होते हैं उसको देखना ऑफेंसेस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट इन सबको ये देखता है इसकी स्पेशल कोर्ट्स भी हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ट्रायल ऑफ शेड्यूज शेड्यूल्ड ऑफेंसेस इन सब में है ये सब कोर्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ़ रिक्वायर्ड अपॉइंटेड एडिशनल जजेस टू द सुप्रीम स्पेशल कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सी जी आई स्पेशल सी जी आई चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट करता है स्पेशल जज या जजेस कई सारे जजेस इसमें कहते हैं जो ये लाए केस उस पर डिसीजन लेने के लिए जुरिडिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स द स्पेशल कोर्ट्स हैव ऑल पावर्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सेशन अंडर द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स की इसमें जो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं इनकी एन आई ए की तो उसमें ये वर्क करते हैं वेर एनी क्वेश्चन जुरिडिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट इट शैल बी इट्स टू देंट्रल इन द मैटर शेड बी फाइनल कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है स्पेशल कोर्ट के लिए इनका तो क्या कहते हैं ये उस पर डिसीजन ले सकते हैं और इनका डिसीजन फाइनल होगा चलिए देख लेते हैं अगली न्यूज़ एन आई एटेंड्स एफ ए टी ग्रुप मीट ऑनलाइन क्या कहते हैं यूरेशन ग्रुप है जो है यूरेशन ग्रुप ऑन कमेटिक मनी लॉन्ड्रिंग एंड लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशिंग ऑफ टेरिज्म ई आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन बताएं कि ये कहते हैं ई ए जी का ई एजी में कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं रोक के वीडियो अभी मैं बताता हूँ कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं नौ कंट्रियाँ हैं आप कमेंट सेक्शन बताएं कि कौन कौन सी कंट्रियाँ ई ए जी ग्रुप में आती हैं ए जी इज़ अ रीजनल बॉडी कंप्राइजिंग नाइन कंट्रीज इसके अंदर नाइन कंट्रीज़ आती हैं इंडिया रशिया चाइना कजाकिस्तान कारिजिस्तान ताजिकिस्तान तुर्मेनिस्तान उज्बेकिस्तान और बिलेस ये सब इसमें नौ कंट्री आती हैं ई जी ग्रुप में ये आप याद कर सकते हैं ये एक एसोसिएट मेंबर है एफ ए टी एफ ए टी एफ ग्रुप का चलिए आईए ए पासिस क्रिटिकल रिजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान आप कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो रोक के आई ई ए का परफॉर्म क्या है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें पता चले क्या कहते हैं हम मोटिवेट होते हैं अगर कोई कमेंट करता है तो हमें अच्छा लगता है और वीडियो को और इन्फॉर्मेशन देने की कहते हैं ज़रूरत पड़ती है और अच्छा भी लगता है देने में द रिजोल्यूशन वॉज पुट अप फॉरवर्ड बाई यूरोपियन स्टेट्स एंड अर्जेस द टू प्रोवाइड इंस्पेक्टर फ्रॉम द कि कहते हैं इस रिजोल्यूशन में पास किया गया है जिसमें बताया गया कि यूरोपियन स्टेट्स और क्या कहते हैं कहा, कहा है कि तहवान को कि और इंस्पेक्टर लाए जाए इंटरनेशनल अटामिक एनर्जी एजेंसी ये फॉर्म याद करिएगा कल मैं इसके बारे में और बात करूँगा आई ए के बारे के में तो आप कमेंट सेक्शन में बताऊँ तो बताएं जो भी आप जान पाएं ये कर, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कल मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा विद एक्सेस टू टू साइड्स इन टू कले वेदर अन न्यूक्लियर एक्टिविटी टू प्लेस विद इन द एल डी टू थाउजेंड ये वर्क करता है कि न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को देखता है जो कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्रीज़ में होती है उस उन एक्टिविटीज़ के ऊपर ये नज़र रखता है आई ए ई ए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच थैंक यू और कमेंट जरूर से ज़रूर करें